Hey, what's up guys? This is Manjeet and welcome back to my another video. So guys, most of the dog speed की इस सीरीज में बात करने वाले हैं डोबरमैन के बारे में, जिसमें आप लोगों को काफी सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। आई मीन इनके कलर और इनकी एज को लेकर, जिनमें आप लोगों को ब्लैक एंड टैन एंड चॉकलेट कलर तो मिल ही रहा है। साथ में अगर एज की बात करें तो इनमें छोटे पपीज, एडल्ट डॉग्स और सेमी एडल्ट डॉग्स भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट डॉग्स के बारे में। तो ये जो आप लोग चॉकलेट कलर में देख रहे हैं, ये एक फीमेल है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। वैक्सीनेशन कम्प्लीट है एंड फीमेल बिल्कुल फ्रेंडली है, बाकी गार्डिंग के लिए भी सही रहेगी। और ये जो डोबरमैन है आप लोग ब्लैक एंड टैन कलर में देख रहे हैं, ये भी एक्सीलेंट क्वालिटी में है और ये अभी जस्ट 6 मंथ की हुई है। उन्होंने इसकी भी सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखे हैं एंड डिफॉर्मिंग भी, एंड आई थिंक आप लोगों को इसका कार्ड भी मिल जाएगा। वैसे काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि अमेरिकन है या फिर यूरोपियन, तो ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो डोबरमैन है ये अमेरिकन है। वैसे दोस्तों फीमेल की अभी फर्स्ट ईट भी नहीं आई है, तो काफी जल्दी अपनी फर्स्ट ईट पर आ जाएगी। बट मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी फीमेल को कभी भी फर्स्ट ईट पर गोश्त ना कराएं, क्योंकि भाई इस टाइम तक ये खुद ही बच्चे रहते हैं तो ये बच्चे देने के लिए इतने कैपेबल नहीं होते। बाकी काफी लोग करा भी देते हैं। बाकी ये चीज आप लोगों के डॉग्स की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर इस फीमेल की एज के बारे में बात करें तो ये 6 मंथ्स की हो चुकी है और उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए। बाकी अगर आप लोग इतना ज्यादा प्राइस अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप लोग इस फीमेल को परचेज कर सकते हो। ये फीमेल भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और इसका प्राइस भी काफी कम है। वैसे ये भी एक फ्रेश फीमेल है, इसने अभी तक पपीज को जन्म नहीं दिया। हाँ, उन्होंने इसकी फर्स्ट ईट मिस करा दी है, तो काफी जल्दी ये सेकेंड ईट पर आने वाली है, तो उस टाइम आप लोग इसको क्रॉस कराकर इसका लीडर ले सकते हो। तो ये जो फीमेल है ये 10.5 मंथ्स की हो चुकी है एंड उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है भाई वो के जस्ट 8,000 पीस यानी सिर्फ 8,000 रुपए। भाई क्वालिटी को देखते हुए प्राइस सच में काफी जेन्युइन है। तो फ्रेंड्स इनके बाद अब बात करते हैं छोटे पपीज के बारे में, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और कलर्स में आप लोग को दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। वैसे पपीज के साथ साथ आप लोग जो ये देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर हैं, जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में, हाइट और हेल्थ भाई बहुत ही बढ़िया है। और मदर की बात करें तो भाई ये आप लोग पपीज के साथ में इनकी मदर को भी देख सकते हैं, मदर भी काफी शानदार क्वालिटी है। क्योंकि पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग के, तो जब आप लोग परचेज करने जाओगे तो मदर के पास से पपीज को उठा सकते हो। तो अगर आप लोग खुद से बच्चों को तैयार करना चाहते हो तो आप लोग इन छोटे पपीज के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ब्रीडिंग का काम स्टार्ट करना है तो पहले वाली दोनों फीमेल्स आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। तो ओनर के पास ये डोबरमैन टोटल 4 पपीज अवेलेबल है, जिसमें से 2 मेल और 2 फीमेल्स है। इन पपीज जो है ये 30 डेज के हो चुके हैं और ओनर की जो लोकेशन है वो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। बाकी डिलीवरी में आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे, ओनर डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर। बट सेकंड ऑप्शन आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहता है, जो है डायरेक्ट ओनर को विजिट करना और पपीज को अच्छे से देखभाल करके ही परचेज करना। बाकी डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। एंड फाइनली अगर इन पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो इनका प्राइस भी भाई बहुत ही कम है। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 10,000 पीस 10,000 रुपए एंड फीमेल की जस्ट 7,000 पीस यानी सिर्फ 7,000 रुपए। और इनमें से किसी का प्राइस भी फिक्स नहीं है, तो इट मीन इसमें आप लोगों को और भी डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप लोग डॉग ओनर से बार्गेनिंग जरूर करें। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, इनका प्राइस पसंद आया होगा, इनकी क्वालिटी पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।